पुलिस को सूचना मिली थी कि बांग्लादेश से 3 फर्जी आधार कार्ड और फर्जी कागजात लेकर हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं और अभी उनकी वर्तमान लोकेशन झांसी में है। एसटीएफ नोएडा और डीआईजी झांसी जोगिंदर कुमार, एसएसपी झांसी शिव हरी मीणा के निर्देशन में सुलेमान आलियामीन और जाकिर खान को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से तमंचा बरामद किया गया। ये लोग लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इनके पास से फर्जी भारतीय आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि बरामद किया गया है। इन बांग्लादेशी राष्ट्रीयों को स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश पुलिस तथा झांसी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया है, जिनके द्वारा डकैती और चोरी जैसी आपराधिक घटनाओं की योजना बनाते हुए पुलिस से मुठभेड़ हो गई थी। उसमें 2 व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। एक व्यक्ति अलामीन के कब्जे से दिल्ली में बने पते का आधार कार्ड बरामद हुआ है और एक व्यक्ति असलम के नाम का ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ है। इन तीनों द्वारा स्वीकार किया गया है कि वह अवैध रूप से सीमा पार करके उन्होंने यहाँ पर प्रवेश किया था और कानपुर होते हुए झांसी आकर। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMTNewsFlash।